जादुई तीन अनोखा गुलाब का घर। ये कहानी रामपुर की है, जहां सुमन अपनी बीमार माँ कौशल्या और छोटी बहन मीना के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। और कौशल्या अपने पति के देहांत के बाद दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपने दोनों बच्चियों का पालन पोषण करती थी। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन काम करते समय कौशल्या की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, और जिस वजह से डॉक्टर ने कौशल्या को काम करने के लिए मना कर दिया। और उस समय सुमन और मीना एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। लेकिन घर की स्थिति और अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर सुमन ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और कहीं काम करने का फैसला किया, और काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगी। लेकिन सुमन को गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिला। तभी एक दिन सुमन अपनी छोटी बहन मीना से कहती है, मीना मेरी बहन, मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं, इसलिए मुझे गांव से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ रहकर मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है कि इस समय हमारे घर के हालात क्या है। हम एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, और मैंने सुना है कि शहर में काम करने पर पैसे अच्छे मिलते हैं। दीदी आप सही कह रही हो, क्योंकि मेरी सहेली की दीदी भी शहर में काम करती है और वो महीने के अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। ठीक है मीना, मैं कल शहर चली जाऊंगी, तो तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। तभी अगले दिन सुमन तैयार होकर अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं काम की तलाश में शहर जा रही हूँ और बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमा कर घर वापस आ जाऊंगी, और फिर मैं आपका एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगी, और फिर हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। बेटी तुम अपना ख्याल रखना, अकेले शहर जा रही हो, और हाँ रास्ते में तुम्हें भूख लग सकती है, इसलिए थोड़े भुने चने अपने साथ ले जाओ, और मेरे बक्से में कुछ पैसे हैं, वो ले लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। तभी एक थैले में भुने चने और कुछ पैसे लेकर सुमन अपनी माँ और अपनी बहन से विदा लेकर शहर की ओर रवाना हो गई। और शहर पहुँचते ही सुमन काम की तलाश में हर दुकानों पर जाने लगी। लेकिन पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी सुमन को कहीं पर कोई काम नहीं मिला। तभी सुमन उदास होकर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई काम की तलाश में भटकते हुए, लेकिन मुझे इतने बड़े शहर में भी कहीं कोई काम नहीं मिला। अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, और अब मैं अपनी माँ और बहन को क्या कहूंगी, उन लोगों को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन अब मुझे घर वापस जाना ही होगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ रहकर अपना गुजारा कर सकूं। तभी सुमन दुखी होकर वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटी मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? पर भूख तो मुझे भी लगी है, और मेरे पास तो बस ये भुने चने ही है, अब मैं क्या करूं? भूख तो बेचारे इन दादी जी को भी लगी है, ऐसा करती हूँ ये चने मैं इन्हें दे देती हूँ, मैं तो अपनी भूख जैसे तैसे बर्दाश्त कर लूंगी। ऐसा सोचकर सुमन ने वो सारे चने उन दादी को दे दिए। तभी बूढ़ी औरत सुमन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। तभी उसके बाद सुमन ने जंगल के रास्ते अपने गांव जाने का फैसला कर लिया। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद सुमन को दो गरीब लड़कियां रास्ते में दिखाई दी। तभी उनमें से एक लड़की रोते हुए सुमन से कहती है, दीदी मैं यहाँ कब से खड़ी होकर लोगों से भीख मांग रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। दीदी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें उन्हें दवाई दिलवानी है, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे हैं। ये लो इसे अपनी माँ के लिए दवाई ले आना। दीदी क्या आप मेरी एक और मदद कर सकती हो? क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरी माँ उठ नहीं सकती, तो क्या आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने में मेरी मदद करोगी? तभी सुमन ने उन दोनों लड़कियों की बेबसी देखी तो उसे देखी नहीं गई, और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तभी दोनों लड़कियां सुमन को जंगल के अंदर एक गुप्त जगह पर ले गई, जहां पर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी दोनों लड़कियां एक सुंदर परियों में बदल गई। ये देखकर सुमन हैरान हो गई। तभी उनमें से एक परी ने कहा,
घबराओ मत, हम परी लोग की परियां हैं और ये बूढ़ी औरत हमारी माँ है। दरअसल हम कई सालों से ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता हो और उसके अंदर लालच ना हो, और आज हमें तुम मिल ही गई। पर मैं कुछ समझी नहीं, तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, मैं समझाती हूँ बेटी, मैं परीलोक की रानी हूँ और मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर जरूरतमंदों की मदद करने आया करती थी, लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीन ली और मुझे एक बूढ़ी औरत बना दिया, और वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी तरह उससे जान बचाकर इस गुप्त जगह पर आकर छिप गई, और उसी दिन से मैं इस जगह पर रह रही हूँ, और ये दोनों मेरी बेटियां हैं, और ये मुझे वापस परलोक ले जाने आई थी, लेकिन मेरे पास मेरी जादुई छड़ी ना होने की वजह से मैं वापस परलोक नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से वापस परलोक जा सकती हूँ। लेकिन मेरी मदद से? पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। लेकिन बेटी, तुम ही वो इंसान हो जो मेरी जादुई छड़ी वापस ला सकती हो। उस दुष्ट जादूगर ने मेरी छड़ी एक जादुई गुलाब के घर के अंदर रखा है, और उस जादुई गुलाब घर के अंदर वही इंसान जा सकता है जो बिल्कुल भी लालची ना हो और हमेशा लोगों की मदद करता हो। तो सुमन, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी वापस ला सकती हो? तभी सुमन उन परियों की मदद करने के लिए तैयार हो गई और जादुई गुलाब घर का पता पूछकर वहां चली गई, और वहां पहुंचते ही सुमन को तीन जादुई गुलाब के घर दिखाई दिए। अरे, यहां तो तीन जादुई गुलाब के घर है, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इनमें से कौन से घर में परी की जादुई छड़ी रखी हुई है? तभी उन गुलाब घरों में से पहले गुलाब घर से एक आवाज आई, सुनो लड़की, अगर तुम मेरे जादुई गुलाब घर के अंदर आओगी तो तुम्हें खूब सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, और तुम उन सिक्कों को ले जाकर बेच सकती हो, और फिर तुम बहुत अमीर हो जाओगी, और फिर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और अगर तुम मेरे गुलाब घर में आओगी तो तुम्हें खूब सारे हीरे मिलेंगे, और तुम इस दुनिया के सबसे धनवान इंसान बन जाओगी, फिर तुम इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद पाओगी, और अगर तुम मेरे गुलाब घर में आओगी तो तुम्हें यहाँ पर परी की जादुई छड़ी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा तुम्हें इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम परियों की मदद करना चाहती हो या खूब सारा धन दौलत लेकर अमीर और शक्तिशाली बनना चाहती हो। मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस उन परी की छड़ी चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, और ऐसे हालात में उनकी मदद करना ही मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मुझे कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस परी की छड़ी चाहिए। तभी सुमन के इतना कहते ही तीसरे जादुई गुलाब घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाकी के दो जादुई गुलाब घर गायब हो गए। तभी सुमन जल्दी से उस जादुई गुलाब घर के अंदर गई और वहां से परी की जादुई छड़ी लेकर उन परियों के पास गई, और फिर वो जादुई छड़ी पाकर वो परी एक सुंदर सी परी में बदल गई, और फिर वो सुमन का धन्यवाद करते हुए बोली, सच में सुमन, तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु हो, वरना जिस तरह उन दो गुलाब घर ने तुम्हें धन दौलत का लालच दिया, लेकिन तुमने तब भी लालच नहीं किया और मेरी जादुई छड़ी लेकर ही वापस आई, इसलिए मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत खुश हुई। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं पृथ्वी लोक पर एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो हमारे जादुई गुलाब घर की देखरेख करने के साथ गरीब और जरूरतमंदों की बिना स्वार्थ के मदद कर सके, क्योंकि हम परियों पृथ्वी लोक पर रोज नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हारे रूप में हमें वो इंसान मिल गया है, इसलिए मैं परीलोक वापस लौटने से पहले तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ, और अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम उस जादुई गुलाब घर से मांग लेना, वो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। तभी इतना कहकर वो परी अपने दोनों बेटियों के साथ परीलोक वापस चली गई, और वहीं सुमन जादुई गुलाब घर से
खूब सारे पैसे लेकर अपने घर वापस आ गई और घर आकर अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को परी और उस जादुई गुलाब घर के बारे में बताया। तभी सारी बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो गए। तभी सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ शहर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जहाँ आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा और फिर आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी इतना कहकर सुमन ने अगले ही दिन शहर ले जाकर अपनी माँ का एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में फिर सुमन की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। और इसी तरह उस जादुई गुलाब घर की वजह से सुमन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और सुमन उस जादुई गुलाब घर की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करती थी और अब वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लग गई थी। परी की गरीब लहंगा सिलने वाली बेटी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अहलिया नाम की विधवा औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करती थी। एक दिन अहलिया जंगल में लकड़ी काट रही थी, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर अहलिया इधर उधर देखती है, तभी वो देखती है कि एक पेड़ के पास प्यारी सी बच्ची जोर जोर से रो रही है। अहलिया उस बच्ची को गोद में उठा लेती है। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ, कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। आखिर इस सुनसान जंगल में इस बच्ची को कौन छोड़कर गया होगा। बेटा चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। अहलिया उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगती है। अहलिया उस बच्ची का नाम सोनाली रखती है। अहलिया सोनाली को कभी ये एहसास नहीं होने देती कि वो उसकी असली माँ नहीं है। वो सोनाली की हर खुशी का अच्छे से ध्यान रखती है और उसका दाखिला भी शहर के अच्छे स्कूल में करवाती है। सोनाली पढ़ने में काफी होनहार थी। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती है, बच्चों आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। जो भी इस फैशन शो को जीतेगा उसे पूरे 1,00,000 रुपए मिलेंगे और स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो बच्चों आप सभी इस शो के लिए तैयार हो ना। यस टीचर, इतना बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाते ही सभी लड़कियाँ आपस में बात करने लगती है कि वो इस फैशन कंपटीशन में क्या पहनने वाली है। मैं तो अपनी जयपुरी लहंगा पहनूंगी, मैं गाउन पहनूंगी। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वही सोनाली चुपचाप कोने में उदास बैठी थी। तभी स्कूल की एक बहुत ही घमंडी लड़की रीना कहती है, क्या हुआ सोनाली, तुम इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही हो क्या? वैसे तुम हिस्सा ले भी कैसे सकती हो, भला तुम्हारी वो गरीब बूढ़ी माँ तुम्हें फैशन शो में पहनने के कपड़े कहाँ से दिलाएगी, है ना दोस्तों। इतना बोलकर रीना के साथ क्लास की सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है और सभी सोनाली को गरीब गरीब कहकर चिढ़ाने लगती है। ये सब देखकर सोनाली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। चुप हो जाओ तुम सब, मेरी माँ गरीब जरूर है लेकिन वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अमीर माँ है। और देखना, मैं जरूर इस फैशन शो में हिस्सा लूंगी और जीतूंगी भी, समझी। इतना बोलकर सोनाली घर आ जाती है और गुस्से से मुंह लटकाकर बैठ जाती है। वही अहलिया खांसते हुए जंगल से लाई हुई लकड़ियां काट रही थी। क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, आज ये चांद सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ हम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है? मेरी वजह से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी हम सुकून से बाकी लोगों की तरह नहीं जी सकते। आखिर बात क्या है बेटा, आज अचानक तुम ये सब क्यों बोल रही हो? माँ अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है। आप मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती हो, और एक मैं हूँ कि बिना कुछ किए ही हर वक्त आपसे अपनी चीज़ों की फरमाइश करती रहती हूँ, और आज भी वही करने वाली थी। कुछ दिन बाद स्कूल में फैशन शो है, लेकिन माँ अब मैं समझ गई हूँ ये सारी चीज हम गरीब लोगों के लिए नहीं है, मैं उस फैशन शो में हिस्सा ही नहीं लूंगी। बेटा मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करो,
मैं ये लकड़ियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। आते वक्त तुम्हारे लिए अच्छा खासा गाउन ले आऊंगी। माँ आप ठीक तो हो ना माँ? तभी अहल्या अचानक से बेहोश हो जाती है। सोनाली दौड़कर पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सोनाली से कहती है, देखो बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लगता है इनकी तबीयत काफी दिनों से खराब थी, लेकिन इन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। अभी तो मैं ये दवाई दे रही हूँ, लेकिन इन्हें जल्द ही किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सोनाली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत ही खर्चा आएगा, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर मैं उस फैशन कॉम्पिटिशन को जीत जाती हूँ तो वो 1,00,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से तो मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो उस शो में पहनने के लिए एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। तभी सोनाली की नज़र अपनी माँ की एक पुरानी सी साड़ी पर जाती है। मैं इस साड़ी का कोई अच्छा गाउन बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सोचकर सोनाली अपनी माँ की साड़ी को अच्छे से काट कर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन तैयार कर लेती है। गाउन को देखकर तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये गाउन उसी ने बनाया है। गाउन बहुत ही अच्छा बनता है। अगले ही दिन स्कूल में कॉम्पिटिशन था। सभी लड़कियाँ अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर आती है और सोनाली जो गाउन बनाती है उसी को पहनकर आती है। सोनाली सुंदर तो थी ही, यूनिक और सिंपल सी ड्रेस उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। एक एक करके सभी लड़कियां उसमें भाग लेती गई, लेकिन जब सोनाली स्टेज पर आती है तो सबकी नज़र सोनाली पर ही होती है। अपने क्यूटनेस और सिंपलसिटी से सोनाली सबका दिल जीत लेती है और लास्ट में सोनाली ही इस कॉम्पिटिशन को जीतती है। उसे 1,00,000 रुपए मिल जाता है और वो अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब तो गांव की हर लड़कियाँ सोनाली से ही अपना ड्रेस बनवाने लगती है। अब सोनाली पढ़ाई के साथ साथ अपना एक बुटीक भी खोल लेती है। बेटा तुमने ये सिलाई करना कब सीखा? पता नहीं माँ, बस मैंने पहली बार ही कोशिश की और ये इतना अच्छा बन गया। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं होता कि ये मैंने बनाया है। सोनाली बेटी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा। कहाँ तुम इस गरीब दुखियारी के घर में आ गई हो, तुम्हें तो किसी राजकुमारी की तरह किसी महल में होना चाहिए था। ओफो माँ, आप ये क्या महके महके बातें कर रही हो? आप चलो आराम करो, मुझे भी लहंगा सिलना है। इसी तरह दिन बीत रहा था। सोनाली अब 18 साल की हो गई थी और जल्द ही उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। सोनाली अपने जन्मदिन में पहनने के लिए अपने हाथों से ही बहुत सुंदर गाउन सिलती है। अहल्या भी अपनी बेटी की जन्मदिन का बहुत ही अच्छे से तैयारी करती है। घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। जिस दिन सोनाली का बर्थडे था उस दिन गांव की सभी लड़कियां सोनाली के घर आती है। सोनाली आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बेटा चलो अब केक काटो। सोनाली जैसे ही केक काटने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बेटा मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। ये क्या मजाक है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ तो मेरे साथ ही है, मेरी अहल्या माँ। माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं, ये परी जी क्या बोल रही है माँ? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे झूठ कहा था, तुम मेरी बेटी नहीं हो। परी जी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, यही तुम्हारी माँ है। फिर अहल्या सोनाली को सारी सच्चाई बताती है। नहीं ये नहीं हो सकता। अहल्या मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा, उसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊँ। नहीं आप मेरी माँ नहीं हो सकती, आखिर कोई माँ अपने बच्चों को ये मरता हुआ छोड़कर नहीं जाता है। मेरी माँ तो सिर्फ अहल्या माँ ही है जिन्होंने मेरा हर सुख दुख में ख्याल रखा। माँ इनसे पूछो कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे जन्म देते ही जंगल में मरता हुआ छोड़कर चली गई, फिर आज एकदम से इनकी ममता कैसे जाग उठी जो मुझे लेने यहाँ आ गई। बेटा ये बहुत ही दुख भरी कहानी है, मेरी मजबूरी थी जो मुझे मेरे कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग रखना पड़ा। मैंने पृथ्वी पर रहने वाले एक आम इंसान से शादी कर ली, लेकिन जब ये बात रानी परी को पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पिताजी से मुझे अलग कर दिया। उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे श्राप दिया कि मैं अपने पहले संतान को अगर अपने साथ रखूंगी तो वो मर जाएगी,
18 साल पूरा होने के बाद ही मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ, तभी वो मुझे फिर से परलोक में रहने की अनुमति देगी। इसलिए मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं मजबूर थी। अब मैं तुमसे और दिन अलग नहीं रह सकती। मेरे साथ चलो बेटा। जाओ बेटी, अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। जब तुम्हारा मन करे तो मुझसे मिलने पृथ्वी लोक पर आ जाना। तुम हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। बेटी जाओ, बेटी खुश रहना। सोनाली अपनी माँ की बात को मानकर परी के साथ परीलोक चली जाती है। मधुरिमा परी अपनी बेटी सोनाली को लेकर परीलोक आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वो मधुरिमा परी से कहती है, मधुरिमा परी, तुम अपनी बेटी को पृथ्वीलोक से लेकर परीलोक तो आ गई हो, लेकिन ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारी बेटी अभी भी बाकी परियों की तरह कोई जादू नहीं कर सकती और ना ही तुम अपनी जादुई शक्तियों से उसकी कोई सहायता करोगी। उसे खुद से ही आम इंसानों की तरह ही इस परलोक में मेहनत करके रहना होगा, समझ गई? इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सोनाली बहुत ही अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसे परलोक में कोई परेशानी नहीं होती है। वो परियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन बनाकर अच्छे से अपना पालन पोषण कर रही थी। लेकिन वहाँ रहने वाली बाकी की परियां सोनाली को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये देखो आखिर ये हमारी परीलोक की कैसी परी है? ना तो इसके पास हमारे जैसे पंख है और ना ही ये हमारी तरह कोई जादू कर सकती है। ये एक गरीब लहंगा सिलने वाली परी है। गरीब परी। सभी परियां सोनाली को गरीब परी कहकर खूब चिढ़ाया करती है। लेकिन सोनाली वहाँ किसी भी परी से बिना झगड़ा किए चुपचाप अपना काम करती रहती है। सोनाली किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, ना ही हंसती थी। वो हमेशा उदास बैठी रहती थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर मधुरिमा परी को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर उसकी बेटी एक परी होते हुए भी नौकरानी का काम कर रही है। उसे लोगों के कपड़े बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन परी राज्य की सबसे शक्तिशाली अनुराधा रानी परी परीलोक में आती है। उन्हें देखकर परीलोक की सभी परियां उनके स्वागत में खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि रानी परी भी उनके स्वागत में खड़ी होती है, क्योंकि पूरे परीलोक की सबसे शक्तिशाली रानी अनुराधा परी ही थी। परियों की महान देवी अनुराधा परी का हमारे परीलोक में स्वागत है। परिमा, हमें याद कर लिया होता, हम खुद आपकी खातिरदारी में हाजिर हो जाते। आखिर यहाँ आने की कोई खास वजह? मुझे अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। मैंने सुना है पृथ्वीलोक से कोई परी यहाँ आई है, जो इसी परीलोक की परी की बेटी है। वो बहुत अच्छा कपड़ा सिलती है। उसके लहंगों का पूरे परीलोक में बहुत ही चर्चे हैं। बस मुझे उस लड़की से अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। अगर मुझे वो लहंगा पसंद आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती, इसके बदले में मैं तुम्हारे परीलोक को ज्यादा शक्तिशाली और उपकार दे सकती हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए रानी परिमा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अनुराधा परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी मधुरिमा और सोनम परी को अपने पास बुलाती है और सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा, ये हमारे परीलोक के आन बान का सवाल है। पहली बार रानी परिमा ने हमसे कुछ मांगा है, हम उन्हें निराश नहीं कर सकती। बेटा, अगर तुम रानी परिमा के लिए लहंगा बनाने में सफल रही तो मैं तुम्हारी माँ को माफ करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूंगी और तुम्हारी सारी परी शक्तियों को भी तुम्हें वापस दे दूंगी। आप निश्चिंत रहिए रानी परी, मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी काबिलियत से अपनी माँ को पहले वाला सम्मान दिलाकर ही रहूंगी। इतना बोलकर सोनम रानी परी के लिए लहंगा बनाने में लग जाती है। 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सोनम एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जब अनुराधा रानी परी लहंगा देखती है तो अचंभित रह जाती है। अद्भुत, मैंने आज तक ऐसा लहंगा कहीं नहीं देखा। बहुत खूब सोनाली। सोनाली, आज से तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ हमारे परीलोक में रहोगी और खास हमारे लिए काम करोगी। इतना बोलकर अनुराधा रानी परी सोनाली और उसकी माँ को सारी परी शक्तियाँ लौटा देती है और दोनों परी को लेकर अपने परीलोक में आ जाती है और वहाँ दोनों माँ बेटी खुशी खुशी प्यार से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।